Now we will see how we can integrate alternative assessment procedures into the ECE curriculum. So we have to integrate assessment of different subjects within each other. कि आर्ट में म्यूजिक को और ड्रामेटिक प्ले जो है इंसारों के अंदर हम बच्चों में किस किस्म के बिहेवियर्स जो है पहुँचाते। For example, we will see that art activities are integrated in different subjects like language arts, mathematics. साइंस सोशल डिवेलपमेंट इवन इन सोशल स्टडीज फॉर एग्जाम्पल मोटर डिवेलपमेंट एंड एक्सप्रेसिव आर्ट तो देखने की कोशिश ये करेंगे कि एक्सप्रेसिव आर्ट्स जो है उनको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में सो वी विल सी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन यूजिंग द वैरायटी ऑफ मीडिया मटेरियल लाइकवाइज लैंग्वेज आर्ट्स वो क्या है वो कैबलरी डिवेलपमेंट है सेल्फ एक्सप्रेशन है रीडिंग रेडीनेस और लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा मोटर डेवलपमेंट में जैसे बच्चे जो भी हरकत करते हैं किसी भी तरह की आई हैंड कोऑर्डिनेशन है सीक्वेंसिंग है डायरेक्शनलिटी है ये सारी चीजें हम देख पाएंगे अब मैथ का मैथ पढ़ाने का जो हमारा मकसद है वो बच्चों को पैटर्न सिखाना है शेप्स क्लासिफिकेशन लॉजिकल थिंकिंग एक्सेट्रा और यही आर्ट एक्टिविटीज हम सोशल स्टडीज में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं जैसे एस्थेटिक आर्ट है अप्रिसिएशन है आर्ट हिस्ट्री एक्सेट्रा सोशल डेवलपमेंट जब हम करते हैं देखें अगर सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही हो तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो सेल्फली एक्सप्रेस कर सकता है इंडिपेंडेंट है ही टेक्स प्राइड इन वर्क रूल्स फॉलोइंग डायरेक्शन सेल्फ अवेयरनेस और बिल्डिंग कॉन्फिडेंस लाइक वाइज साइंस जिसको हम समझते हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आर्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता बट साइंस के अंदर भी हम इंटीग्रेट करते हैं आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टेक्सचर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो कि लॉजिकल रिलेशनशिप है सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड हाउ थिंग्स वर्क फर्दर आप देख रहे हैं जो हमारा म्यूजिक और मूवमेंट एक्टिविटीज हैं आप देखिए इसमें भी लैंग्वेज आर्ट मैथ है सोशल डेवलपमेंट है मोटर डेवलपमेंट है अब म्यूज़िक के थ्रू हम ये सारी एक्टिविटीज़ किस तरह से इनकॉपोरेट कर सकते हैं लैंग्वेज आर्ट में हम देखते हैं कि फोनेमिक अवेयरनेस है लैंग्वेज पैटर्न है लिसनिंग स्किल्स हैं ये सारी पोएम्स के ज़रिए और राइम्स के ज़रिए बच्चों में पैदा की जा सकती हैं एक्सप्रेसिव आर्ट्स की अब जब बात करेंगे तो म्यूज़िक में जिस से बच्चे इशारे के ज़रिए नहीं नज़में गाते और बहुत से ऐसे तरीके होते हैं कि जिसमें वो कुछ और एक्शंस करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो यहाँ पे फिर मोटर डेवलपमेंट भी आ जाती है जब आप म्यूजिक की बात करेंगे तो बच्चे अपने लिम्स को मूव करेंगे फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी डायरेक्शनैलिटी होगी उनको थोड़ा स्पेस का भी एहतियात पता चलेगा कहाँ पे खड़े हैं क्या मूवमेंट कर रहे हैं कैसे आगे बढ़ रहे हैं लाइक वाइज यही म्यूजिक को हम मैथ में भी देख सकते हैं जैसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना देखें म्यूजिकल लैंग्वेज किस तरह से होती है नंबर रिकग्निशन काउंटिंग सॉर्टिंग कैटेगराइजिंग एक्सेट्रा एंड म्यूजिक मूवमेंट एक्टिविटीज़ इसके अलावा सोशल स्टडीज़ में और सोशल डेवलपमेंट में भी इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं यहाँ भी बहुत से ऐसे टास्क हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड हैं जैसे सोशल डेवलपमेंट में देखिए शेयरिंग कोऑपरेशन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग लिसनिंग और सेल्फ कंट्रोल अब ये बड़ी हैरत की बात है कि आप साइंस को और म्यूजिक को भी आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं साउंड्स ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन हाउ साउंड्स आर मेड साइंटिफिक प्रोसीजर्स इन्वेंशन बॉडी अवेयरनेस एक्सेटा आप नेक्स्ट आप देखिए कि जो हम ज़्यादातर बच्चे जो है वो रोल प्ले को बड़ा पसंद करते हैं तो ड्रामेटिक प्ले जो है इसको भी आप तमाम डिवेलपमेंट्स के लिए तमाम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं खासतौर पर मैथ के लिए भी चलते देखते हैं ड्रामेटिक प्ले एक्टिविटीज़ जो हैं अगर एक्सप्रेसिव आर्ट्स की बात करें तो यूज ऑफ वेरियस मीडिया सेल्फ एक्सप्रेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है माथ में भी है और आपकी ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ में भी है लैंग्वेज आर्ट्स हैं जाहिर है जब लैंग्वेज आर्ट की बात करिए तो एक डायलॉग होता है बच्चे बोलते हैं एक्सप्रेस करते हैं एनवायरमेंटल प्रिंट होती है सेंस ऑफ स्टोरी होती है कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है इसी तरह मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो रोल प्ले में बच्चे तरह तरह से फेशियल uh, एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे होंगे लिम्स को मूव कर रहे होंगे और अपने कैरेक्टर के अंदर इमर्स होंगे तो हम देखते हैं उनकी मोटर डेवलपमेंट को एंड देन फाइनली इन मैथ जैसे हम बात कर रहे थे मैथ का ड्रामेटिक एक्टिविटीज से क्या ताल्लुक है यहाँ भी हम उनको सिखाते हैं नंबर रिकग्निशन कलर पैटर्निंग सिक्वेंसिंग एड शेप एसेट्रा सो लाइक वाइज इनको सोशल स्टडीज में सोशल डेवलपमेंट में और साइंस में हम यूज कर सकते हैं